दोस्तों, हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसे टैलेंटेड बाल कलाकार हैं जिन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग से लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आपको बता दें, वही टैलेंटेड बाल कलाकार आज इतने ज्यादा बदल गए हैं जिन्हें पहचान पाना मुश्किल हो गया है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं बाल कलाकारों से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने अपने एक्टिंग के दम पर लाखों लोगों को दीवाना बनाया। आइए जानते हैं कौन है वो बाल कलाकार। नंबर 5, जनक शुक्ला। फिल्म कल हो ना हो में प्रीति जिंटा की छोटी बहन जिया, याद है आपको, जिन्होंने अपनी मासूमियत की वजह से सभी के दिलों को छू लिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी जिया की जिसने फिल्म कल हो ना हो में बाल कलाकार के रूप में काम किया। आपको बता दें, जिया का असली नाम जनक शुक्ला है। इन्होंने इस फिल्म के बाद डेडलाइन सिर्फ 24 घंटे में काम किया और उसके बाद ये फिल्मों से गायब हो गई। आपको बता दें, जनक शुक्ला अब बॉलीवुड में दोबारा डेब्यू करने वाली है, लेकिन अगर बात करें इनमें आए बदलावों की तो ये पहले से ज्यादा ब्यूटीफुल और मोटी हो गई है। ये सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं, आए दिन अपने फोटो शेयर करती रहती हैं। नंबर 4, अथित नायक। कल हो ना हो और मुझसे दोस्ती करोगी जैसी फिल्म में अभिनय करने वाले बाल कलाकार अथित नायक ने अपना करियर 6 साल की उम्र में स्टार्ट कर दिया। लेकिन आपको बता दें, अथित नायक काफी बड़े हो चुके हैं, फिल्मों में दोबारा एंट्री कर चुके हैं। अभी हाल ही में इनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म द गर्ल इन ई वुड्स रिलीज हुई जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। अगर बात करें इनके लुक्स की तो ये हैंडसम हो गए हैं, इनकी तस्वीरों में देख सकते हैं आप। नंबर 3, अभिषेक शर्मा। कहो ना प्यार है में बाल कलाकार का किरदार निभाकर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने वाले अभिषेक शर्मा बॉलीवुड का जाना माना नाम है जिन्हें इसी फिल्म के लिए जाना जाता है। लेकिन इस फिल्म के बाद इन्होंने बॉलीवुड से ब्रेक ले लिया, अपनी पढ़ाई पर फोकस करने लगे। लेकिन आपको बता दें, अभिषेक शर्मा ने बॉलीवुड में दोबारा वापसी की है और इस बार एक एक्टर के रूप में नहीं बल्कि डायरेक्टर और राइटर के रूप में बॉलीवुड में कदम रखा है। इन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन किया है जिनमें फिल्म तेरे बिन लादेन, परमाणु जैसी फिल्में शामिल है और वर्तमान में अभिषेक शर्मा फिल्म जोया फैक्टर फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं। अगर बात करें इनके लुक्स की तो बड़े हैंडसम है, सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। नंबर 2, अली हाजी। दोस्तों, आप अली हाजी को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने पार्टनर फिल्म में सलमान खान की नाक में दम कर दिया था। इसके बाद इन्होंने बाल कलाकार के रूप में कई फिल्मों में काम किया जिसमें फना, माय फ्रेंड गणेशा, तारा रम पम जैसी फिल्में शामिल है। आपको बता दें, अली हाजी काफी बदल चुके हैं, दिखने में बड़े हैंडसम हो गए हैं। इन्होंने बॉलीवुड में दोबारा एंट्री कर ली है और कुणाल कपूर के साथ फिल्म नोबल मैन और ऋतिक की फिल्म सुपर 30 जैसी फिल्मों में नजर भी आए हैं। नंबर 1, जोया अफरोज। आप सभी को बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और करिश्मा कपूर की फिल्म हम साथ साथ हैं तो याद ही होगी, लेकिन क्या आपको इस फिल्म में सलमान को मामा मामा बोलने वाली बच्ची याद है जिसने इस फिल्म में राधिका का किरदार निभाया था? जी हाँ, इस फिल्म में राधिका का किरदार निभाने वाली ये बच्ची अब बच्ची नहीं रही है, काफी बड़ी हो गई है, जिसका नाम जोया अफरोज है। इन्होंने 9 साल की उम्र में बॉलीवुड में डेब्यू किया है, बाद में बॉलीवुड में दोबारा एंट्री कर रही है और कई फिल्मों में काम भी कर चुकी है जिनमें द एक्सपोज, द स्वीटी वेट्स, NRII जैसी फिल्में शामिल है। लेकिन अगर बात करें इनकी खूबसूरती की तो आपको बता दें, जोया बड़ी खूबसूरत हो गई है। इन्होंने कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में अपने नाम किए हैं, ये फेमस अभिनेत्री में गिनी जाती है। दोस्तों, इन बाल कलाकारों में आपके फेवरेट बाल कलाकार कौन सा है उसका नाम कमेंट बॉक्स में बता दो और बॉलीवुड से जुड़ी और भी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब